गाइज अगर टॉप फिटनेस ट्रैकर्स की बात आती है तो मी बैंड्स का नाम आपको डेफिनेटली सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि मी बैंड 5 वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस ट्रैकर है जो आपको बजट सेगमेंट में काफी जबरदस्त फीचर ऑफर करते हैं। रिसेंटली शाओमी ने मी बैंड 5 को इंडिया में लॉन्च किया और हमने इसे फर्स्ट सेल में परचेज किया ताकि आप लोगों को इस स्मार्ट बैंड का एक ऑनेस्ट रिव्यू अपने चैनल के ऊपर दे सके। तो अगर आप 2 से 2500 के प्राइस बजट में एक फिटनेस ट्रैकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो मी फिटनेस बैंड आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम मी बैंड 5 का अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये ट्रैकर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है मी बैंड 5 का टिपिकल बॉक्स पैकेजिंग। बॉक्स एसेसरीज में आपको दिया गया है मी बैंड 5 चार्जिंग केबल और यूजर मैनुअल, बस यही सब आपको इसमें देखने को मिलता है। गाइज ये जो मी बैंड 5 है ये देखने में बिल्कुल मी बैंड 4 के सिमिलर है, बट यहाँ पर आपको काफी सारे न्यू फीचर और अपग्रेड देखने को मिलते हैं और उनको लेकर आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से मी फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल ऐप है। सो लेट मी ट्राई टू कनेक्ट दिस फर्स्ट और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यस, सो फाइनली इट्स कनेक्टेड। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये तो हो गया कनेक्ट, अब बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। सो गाइज मी बैंड 5 के साथ में जो स्ट्रैप आपको दिया गया है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ये स्ट्रैप TPE मटेरियल से बना हुआ है और सॉफ्ट सिलिकन होने की वजह से काफ़ी कंफर्ट है और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। साइज एडजस्टेबल है और आपको पहनने में कोई भी इशू नहीं होगा। इवन ये जो मी बैंड 5 है ये काफ़ी लाइट वेट है, लगभग 23 ग्राम के करीब है, जिसे आप काफ़ी लंबे टाइम तक पहन सकते हैं बिना किसी इशू के। मैंने ब्लैक कलर वेरिएंट लिया है क्योंकि ब्लैक हमारा फेवरेट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब मी बैंड 5 के कुछ फीचर्स को लेकर बात कर लेते हैं। अब मी बैंड 5 में सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर है कि यहाँ पर आपको इसे चार्ज करने के लिए बार बार बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नेट चार्जर का फीचर देखने को मिलता है। सो बस आपको इस तरह से कनेक्ट करना है और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है और यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, जिससे बार बार खोलने का नाटक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऊपर से यहाँ पर आपको 125mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको 14 डेज का बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मी बैंड 5 का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपको यहाँ पर n नंबर ऑफ कूल वॉल फेसेस देखने को मिल जाते हैं। सिंपली मी फिट ऐप की हेल्प से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप कस्टमाइज वॉल फेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं और खुद से अपने पर्सनल इमेजेस को भी वहां पर यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। गाइस अब बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर, तो फ्रंट में आपको 1.1 इंचेस का एमोलेड फुल टच स्क्रीन देखने को मिलता है, जहां 450 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। और मी बैंड 4 के कंपैरिजन में इस बार डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इवन आउटडोर कंडीशन में आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। आइकन्स काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं और अगर आप चाहो तो इस डिस्प्ले में ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिलता है और चार्जिंग पिन देखने को मिल जाते हैं। गाइज मी बैंड 5 ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है, तो कनेक्टिविटी को लेकर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। बाकी फीचर्स को लेकर बात करें तो काफ़ी सारे न्यू फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए PAI जैसा फीचर, मतलब पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, जो फर्स्ट टाइम आपको इस प्राइस सेगमेंट में ऑफर किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है। जैसे ही आप इस फीचर को इनेबल करते हैं, ये आपके बैंड में ऑटोमेटिक हार्ट मॉनिटरिंग को इनेबल कर देगा और आपके हार्ट रेट के बेस पर एवरी मिनट आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा और हर रोज आपको एक स्कोरिंग देगा, जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा आपका फिटनेस लेवल होगा। सो डेफिनेटली आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अब PAI को इनेबल करने का एक माइनस पॉइंट भी है कि जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं, आपकी जो बैटरी लाइफ है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये हर मिनट आपकी हार्ट रेट को ट्रैक करता है, जिससे बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा मी बैंड 5 के साथ आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप एनी टाइम अपने हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं। और एक और न्यू फीचर जो काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं मेरी तरह, वो अपने स्ट्रेस लेवल को मेज़र कर सकते हैं। सो जैसे आप इसे अपने हाथों में पहनकर स्ट्रेस लेवल को चेक करते हैं, आप देख सकते हैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग इनेबल हो चुका है।
और उससे आप डे टू डे अपने जो स्ट्रेस लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। सो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करूँगा। अब कितना ज़्यादा एक्यूरेट है ये मुझे नहीं पता, बट मैं इसे चेक करूँगा और अपने डिटेल रिव्यू में आप लोगों को जरूर से शेयर करूँगा। इसके अलावा ब्रीथिंग ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि बेसिकली आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प करेगा, खासकर योगा में, जहाँ आप खुद से टाइम सेट करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बैंड भी आपको सजेस्ट करेगा कि आपको अपनी सांस को कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है। सो एक्सरसाइज पर्पज से ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नाउ इसके अलावा आपको वेदर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से आप वेदर कंडीशंस का पता कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको यहाँ पर वर्कआउट ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ आपको 11 न्यू एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है, लाइक इंडोर, आउटडोर, साइकिलिंग, वॉकिंग, ट्रेडमिल, योगा, जंप रॉप और स्विमिंग। अब स्विमिंग से याद आया कि मी बैंड 5 के साथ में आप वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सो सुनकर ही काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको यहाँ पर भीगने करने का बिल्कुल भी डर नहीं है और 15 मीटर डीप वाटर तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बेसिक फीचर है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, लाइक स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न, आइडल अलर्ट, जिनमें आप पर डे और वीक वाइज स्टेटस चेक कर सकते हैं। मी बैंड 5 के अंदर आपको डिवाइस के नोटिफिकेशन को देखने का ऑप्शन भी मिल जाता है, लाइक SMS नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, बट आप कॉल को यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको माइक का फीचर देखने को नहीं मिलता है और कॉल के टाइम आपको इसमें वाइब्रेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली आप इसे साइलेंट कर सकते हो और डिस्कनेक्ट कर सकते हो। गाइज, इस तरह के फिटनेस ट्रैकर को पहनने के बाद हम लोगों की आधी साइकोलॉजी वैसे ही चेंज हो जाती है और एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि हमने अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या किया है, कैसे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह के स्मार्ट बैंड्स को यूज़ करते हो तो आप अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। गाइज, मी बैंड 5 को आप मी फिट ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ ईजी टू यूज़ और मोर कन्वीनियंट। खैर छोड़िए, बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर आपको मोर सेटिंग का फीचर भी दिया गया है, जहाँ से आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अलार्म सेट कर सकते हैं, कैमरा शटर के साथ साथ म्यूजिक ट्रैक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टॉप वॉच, DND, अलार्म, टाइमर, फाइंड डिवाइस जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बैंड डिस्प्ले ऑप्शन में आप वॉल फेसेस को चेंज कर सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और जो ब्राइटनेस ऑप्शन है वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस लेवल को सेट कर सकते हैं और ऑटो स्क्रीन ऑफ जैसे फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, काफ़ी सारे बेसिक फीचर से लेकर यूजफुल फीचर आपको मी बैंड 5 के साथ में देखने को मिलते हैं सिर्फ 2500 के प्राइस सेगमेंट में, जो फीचर आपको काफ़ी महंगे फिटनेस ट्रैकर्स में देखने को मिलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मी बैंड 5 का मैं एक डिटेल रिव्यू करूं और अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।